हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को हम कौन कौन से रूप में बदल सकते हैं। ध्यान ही देना, आपने टाइप ऑफ सेंटेंसेस में क्या देखा था, पांच सेंटेंस देखे थे। असर्टिव सेंटेंस उसी का नाम डिक्लेरेटिव है और स्टेटमेंट भी है। उसी को आज हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग करेंगे। इसमें अलग अलग प्रकार में अलग अलग प्रकार है। जो उसके थे उसमें इंट्रोगेटिव था, एक्सक्लेमेटरी था, इंपरेटिव था, ऑप्टेटिव था। किसी भी असर्टिव सेंटेंस को हम सबसे पहले दो चीजों में देखेंगे। पहला ये आप देख सकते हैं, ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, आपने पहचान कर ली है। ऐसे सारे सेंटेंस जिसके लास्ट में बढ़िया सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा एक क्वेश्चन मार्क लगा हो, उसे आप इंपरेटिव नाम दे देते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव नाम देते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव अपने नेचर के आधार पे, अपनी प्रकृति के आधार पे दो प्रकार का हो गया। दो प्रकार कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया यहां पर देखिए एस नो टाइप क्वेश्चन, क्या एस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा आपके सामने है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। अब एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप में क्या फर्क है, क्या समानता है? समानता यह है दोनों के दोनों क्वेश्चन है, अंतर उनके आंसर देने के तरकीब पर है। जैसे ऐसे सारे क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं उन्हें आप एसनो टाइप क्वेश्चन कहेंगे। ऑल द क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर्ड इन एस मतलब इन एस आर नो, दे आर नोन, दे आर कॉल्ड एच एसनो टाइप क्वेश्चन। और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन की पहचान तो सीधी ये होती है, उसके शुरुआत में डब्ल्यू एस वर्ड लगा रहता है। अब डब्ल्यू एस वर्ड आपको बताया गया है, व्हेन है, हुज, हुम, व्हाई, व्हेन, वेयर, जितने भी डब्ल्यू एस टाइप वर्ड होते हैं उसके ही पहचान है। स्टार्टिंग में लगेगा डब्ल्यू एस वर्ड और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव का पार्ट ए एसनो टाइप कैसे पढ़े। अब एसनो टाइप की बात भी हम पढ़ेंगे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, और उसी असर्टिव सेंटेंस को फिर से एक्सक्लेमेटरी में बदला जा, ये दो बार हो गया है, एक्सक्लेमेटरी में बदला जा सकता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे, छोटा सा वीडियो होगा, प्यारा सा वीडियो होगा, आप आसानी से देख सकेंगे। और हां, वीडियो देखने के बाद में आपके ढेर सारे गलतफहमियां, ढेर सारे कंफ्यूजन आज इसी वीडियो में दूर करने वाला हूं। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो यस्नो टाइप क्वेश्चन में जाने के पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ड्स लोग जानते होंगे कितने होते हैं, देख लीजिए, यही है 24 हेल्पिंग वर्ब, प्योर हेल्पिंग वर्ब है 24। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर से नंबरिंग करके लिख दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिए। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डज, डू, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीडंट, डेरंट, एंड यूज टू, ये आपके सामने रहेंगे क्या हेल्पिंग वर्ब। तो आज हम जो यस नो टाइप क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि यस नो टाइप क्वेश्चन में दोस्तों एक बात बता दूं, और आप हमारे चैनल पर जो भी ग्रामेटिकल वीडियो देखेंगे उसमें कहीं भी टेंस का नाम निशान नहीं है। उससे फायदा यह होता है, फायदा यह होता है जितनी देर में आप एक वीडियो समझेंगे, एक पॉइंट समझेंगे, उतनी ही टाइम में, उतने ही समय में सारा का सारा वीडियो समझ सकते हैं। मतलब आपका टाइम सीधा सीधा 90% कम होने वाला है। ठीक, तो बिना समय गवाए आइए हम देखते हैं। आपने देख लिया हेल्पिंग वर्ब, हम पूरा का पूरा काम आज हेल्पिंग वर्ब से ही करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए नंबर एक, अब जब भी आप यस्नो टाइप क्वेश्चन बनाने जाएंगे, ध्यान ये रखना, ध्यान आप ये रखना है
कि आपका यस्नोटाइप क्वेश्चन की शुरुआत स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही होनी चाहिए। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। जो भी आपने यहां 24 हेल्पिंग देखा उसी से होगी। वो कैसे होगी, इसके लिए हमें कुल मिलाकर के आज 5 स्टेप्स में क्लियर करना है। कितने स्टेप? 5 स्टेप में। यस्नोटाइप क्वेश्चन को हम 5 कदम आपके साथ चलिए, 5 कदम पूरा होने के ही पहले या 5 कदम पूरा होते होते आप यस्नोटाइप क्वेश्चन के एक प्रकांड विद्वान बन जाएंगे आज इसी वीडियो में। कैसे देखिए, स्टेप नंबर एक में जाने के पहले आप ध्यान ये रखना, यस्नोटाइप क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। कंपल्सरली बिना हेल्पिंग वर्ब के आप यस्नोटाइप क्वेश्चन नहीं बना सकते और सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा। तो अब इस बात को ध्यान रखें, जैसे यह देखिए यहां पर सेंटेंस लिखता हूं मैं, सी डिड नॉट हैव मनी। अब ध्यान देना, ये सेंटेंस आपका आ गया है, सी डिड नॉट हैव मनी। इसको आज आपको यस्नोटाइप क्वेश्चन में बदलना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक सेंटेंस और लिख दो मैं, वी हैव सीन अ मंकी, हम लोगों ने एक बंदर देखा है। शी डिड नॉट हैव मनी, वी हैव सीन अ मंकी। ध्यान ये देना, पक्का ध्यान देना कि क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। दोनों चीजें पॉसिबल हैं, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा, पास्ट सिंपल का होगा, तो उसमें हेल्पिंग दिखाई नहीं देता फॉर्मेटिव में, बाकी सब में दिखता है। आइए देखते हैं, शी डिड नॉट हैव मनी, ये देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब यहां मिल गया। अब क्या करें, वी हैव, सॉरी ये आपका जो नहीं है तो वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका डिड है। She did not, यहां पर है मेन वर्ब बनकर काम कर रहा है। She did not have money, आपका हेल्पिंग वर्ब यहां पर did है, क्या है? did है। सेकंड में we have seen a monkey। अब ध्यान देना, दोनों ही सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है। अब आप इसका यस्नोटाइप कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसान। कैसे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में जो आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लो। एग्जाम्पल देखना, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है? डिड। आपने डिड यहां पर बाहर निकाल दिया, ठीक है, डिड आपने बाहर निकाल लिया। पहला काम करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, आज के बाद से जब भी आपको यस्नोटाइप क्वेश्चन बनाना होगा, सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दिखना ही चाहिए, हेल्पिंग वर्ब रहना ही चाहिए। तो क्या आपको हेल्पिंग मिला कहां से? आपको सेंटेंस में मिल गया, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिला था, उसको निकाल लिया बाहर। अब क्या करेंगे, अब जरा एक काम और देखना, ये सेंटेंस में नॉट है कि नहीं है, मतलब नेगेटिव है अफर्मेटिव है। अगर सेंटेंस में नॉट है तब तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और नहीं है तो पक्का लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है, ढेर सारे ग्रामेटिकल बुक में, ढेर सारे वीडियो में, मैं भी क्लियर कर देता हूं उसको। देखिए ध्यान, अब ये रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको लगाना होगा, और है तो नहीं लगाना होगा, निकाल देना होगा। देखिए तो डिड हो गया, अब नॉट आप लेंगे नहीं, स्टार्टिंग से ले जाइए, डिड सी हेल्पिंग वर्ब लिया, नॉट लगाना नहीं है क्योंकि यहां पर है। अब स्टार्टिंग से आइए, डिड सी हैव मनी, अब बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है आपको, क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाना है। बात समझ आ गई? इसका मतलब फिर सुन लीजिए, जब कभी भी आपको सेंटेंस में यस्नोटाइप बनाना हो, आप सेंटेंस को ध्यान से देखना, क्या देखोगे ध्यान से, कि उसमें हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करेंगे, उसी हेल्पिंग वर्ब को निकाल देंगे बाहर, और हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालने के बाद में क्या करेंगे, नॉट नहीं है तो लगा लेंगे, और है तो छोड़ देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट जैसा है, हूबहू
पूरा लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर सेकंड देखेंगे, वी हैव सीन अ मंकी, वी हैव सीन अ मंकी। अब इसमें बताइए हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, है, निकाल लेते हैं। देखिए सेकंड में हैव हो गया, लेकिन ध्यान ये रखना जब भी आप अंदर के हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर आएंगे उसको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। ये हो गया है, हैव आपको कहां मिला, सेंटेंस में मिला। अब ये जब देखिए इसमें नॉट है क्या, नहीं है ना, लगाएंगे और पक्का लगाएंगे। ये हो गया हैव नॉट। पहले आपने हेल्पिंग वर्ब निकाला, हेल्पिंग वर्ब निकालने के बाद क्या किया, नॉट लगाए क्योंकि यहां पर नहीं था। अब पूरा सेंटेंस लेकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हैव नॉट वी सीन अ मंकी, हैव नॉट वी सीन अ मंकी। ये आपका हो गया प्रश्न टाइप क्वेश्चन। तो आप पहला पड़ाव पार कर चुके, पहला चरण हो गया, पहला कदम हो गया। पहला कदम क्या था, ऐसे सारे सेंटेंस जिसका यस्नो टाइप बनाना है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को निकालेंगे बाहर, नॉट नहीं है तो आपको लगाना होगा और है तो हटाना होगा, और बाकी पूरा सेंटेंस लेकर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ये आपका पहला चरण हो गया। अब देखते हैं, अब एक बात समझ में आ गई कि कभी भी यस्नो टाइप क्वेश्चन बनाएंगे शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब मिला कहां से आपको, सेंटेंस में मिला। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं दिखाई देगा। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर ए। रतन हेल्प्स द पुअर्स, ध्यान देना यहां पे, रतन हेल्प द पुअर्स। यहां पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा, ठीक है। सेकंड, बॉयज राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी नहीं है। तीसरा, कमल रोट, रोटी दूसरा लेता हूं मैं, कमल वेंट टू मुंबई। अब ये आपके तीन सेंटेंस में हम दूसरा कदम पार कर जाएंगे। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, नॉट नहीं होगा तो लगाएंगे, होगा तो छोड़ देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस देकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इससे एक बात सिद्ध ये हो गई कि कभी भी यस्नो टाइप क्वेश्चन बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं बन सकता, ठीक। अब ये सेंटेंस देखिए, रतन हेल्प्स, रतन हेल्प्स, ये हेल्प है, रतन हेल्प्स द पुअर्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बॉयज राइट अ लेटर, इसमें भी नहीं है। कमल वेंट टू मुंबई, इसमें भी नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि अगर आपको इसका यस्नो टाइप बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब तो यहां पर है नहीं और बिना हेल्पिंग वर्ब का यस्नो टाइप बनता नहीं। यहां हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है और बिना हेल्पिंग वर्ब का यस्नो टाइप बनेगा नहीं, तो क्या करें, और सिंपल बात है, देखते हैं। अब आप यहां पर क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। जब आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दिखाई दे आप तुरंत जाइए वर्ब के पास, वर्ब है ना, वर्ब, वर्ब के पास से आपको आइडिया मिल जाएगी इसका हेल्पर कौन है, सहायक कौन है। अभी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और हेल्पिंग वर्ब खोज रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब किसके पास रहेगा, हेल्पिंग वर्ब किसको हेल्प करता है, वर्ब को करता है। आइए हम वर्ब के पास चलते हैं, यही हमको पता चल जाएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब होने वाला है ना। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर वर्ब ये है, दूसरे में राइट है, तीसरे में विंड है, यही है मेन वर्ब आपका। अब अगर आपके वर्ब में यस या ईएस लगा हो तो 100% आपका श्योर अनसर्टन हेल्पिंग वर्ब जो मिलेगा वो होगा डच। क्या होगा, डच। ये देखिए हमको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा डच। ऐसा कब होगा, जब हमारे सेंटेंस में वर्ब में यस या ईएस वर्ब होगा तो।
चक्कर, अगर मान लो आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म में है, तो सीधी बात है आपको वहां मिलेगा डू, क्लियर। और तीसरी बात होती है अगर वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है, तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा डिड। बस हो गई बात। अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आपको उसे यस नो टाइप में बनाना है, तो सीधी सी बात आप कहां जाएंगे, मेन वर्ब के पास जाएंगे। अगर मेन वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ है, आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा डच। अगर मेन वर्ब में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, आपको हेल्पिंग वर्ब मिलने वाला है टू। और अगर आपके सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म में है, तो आपको क्या मिलेगा, डिड मिलेगा। इस प्रकार से आप यहां पर तीन हेल्पिंग वर्ब पा गए और जिसकी हमें जरूरत थी। तो जब हेल्पिंग वर्ब मिल गए हमको, फिर देर किस बात की, आइए बना लेते हैं। नंबर एक देखिए, नंबर एक, रतन हेल्प्स द पुअर्स, इसमें यस या यस है, क्या मिलेगा आपको, डच। हेल्पिंग वर्ब मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बताइए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो नॉट है क्या, नहीं है, लगा लो डज नॉट, डज नॉट। आ जाइए स्टार्टिंग में, रतन डज नॉट, रतन। अब ध्यान देना, डज ले लिया हेल्पिंग वर्ब यहां से, नॉट लगा लिया क्योंकि नहीं था, अब स्टार्टिंग से रतन हो गया, ये हो चुका है। अब बारी आती है वर्ब की, हेल्प की। अब ध्यान देना दोस्तों, आप जब भी ऐसी कंडीशन में डू डज डिड लगाएंगे, क्या क्या, डू या डज या डिड, आपको वर्ब को फर्स्ट में ही लिखना पड़ेगा, वहां चाहे यस या यस हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे सेकंड फॉर्म में हो, आप यहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ही। तो हेल्प्स का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ध्यान देना, जो हेल्प्स था अब उसे आप हेल्प लिखेंगे, डज नॉट रतन हेल्प द पुअर्स, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। सेकंड देखिए, सेकंड में राइट है, राइट रोड रिटन, फर्स्ट फॉर्म में है, क्या मिलेगा आपको, डू मिलेगा। डू क्यों मिलेगा, आपने यहां देखा है, अब डू के बाद में नॉट लगाएंगे, डू नॉट हो गया, डू नॉट के बाद में बॉयज, ये देखिए डू नॉट बॉयज आगे राइट, हमें फर्स्ट में करना पड़ता कि फर्स्ट ऑलरेडी है, कुछ नहीं करना है, ये हो गया राइट, डू नॉट राइट बॉय राइट अ लेटर। तो ये सेंटेंस आपका हो गया एसो टाइप। अब जरा लास्ट एंड थर्ड देखिए, कमल वेंट टू मुंबई, नो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के पास गए, वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है, गो वेंट गॉन, तो क्या मिलेगा, डिड, डिड, नॉट लगाना पड़ेगा नियम से, डिड नॉट कमल, डिड नॉट कमल। अब एक काम करना, वेंट को फर्स्ट फॉर्म में करना, गो, डिड नॉट कमल गो टू मुंबई, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप, कदम नंबर दो। बस तीन कदम और दूर हैं अपनी मंजिल से, तीन कदम जैसे ही पूरा होगा वैसे हमारा इस छोटा क्वेश्चन पूरा हो गया। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में हेल्प मिलेगी कि जिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा वहां पर हम यस नो टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं। सीधी सी बात है, वर्ब देखते हैं, वर्ब में अगर यस या यस है तो डज मिलता है, फर्स्ट है तो डू मिलता है, सेकंड है तो डिड मिलता है। लेकिन ये डू डज डिड लगाने के बाद में आप जो भी वर्ब उसमें आया हुआ है यस यस सेकंड फर्स्ट, उसको फर्स्ट में ही करेंगे। ओके, फिर देखते हैं अब स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री क्या है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेज। अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस मिले तो आप उसका यस नो टाइप कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो आप देखिए इंपरेटिव होता कैसे है, जैसे मैंने कहा यहां पे कॉल द पुलिस, दूसरा है डोंट रन
सो फास्ट। ध्यान देना, दो सेंटेंस है, ये दोनों इंपेरेटिव है। आप पहचाने कैसे? ऐसे सारे के सारे वाक्य जो किसी एडवाइस को, सलाह को, सजेस्ट को, मशवरा को, राय को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस या आज्ञार्थी वाक्य। अब अगर मान लीजिए सेंटेंस देखकर आप पता ही नहीं पाए कि आज्ञार्थी नहीं है, सिंपल बात है, इंपरेटिव की पहचान ये होती है कि वह हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है। देखिए, कॉल, कॉल द पुलिस, गो देयर, कम हियर, ओपन विंडो, शट द विंडो, ओपन माउथ, सॉल्व द पेपर, ओके, ये हो गया अफर्मेटिव इंपरेटिव। अगर इसी इंपरेटिव को आपको नेगेटिव बनाना हो तो डोंट लगा दो, डोंट रन फास्ट। बात समझ? तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपको मिल जाए तो नियम देखिए, आंसर क्या देखिए। फर्स्ट, एकदम कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप बनाना हो, बिंदास एकदम आश्वस्त होकर, अश्योर होकर के शुरुआत में आप लिखेंगे विल यू, दो वर्ड ये है, विल यू। ध्यान देना, इंपरेटिव सेंटेंस का जब भी आपको यस नो टाइप बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? विल यू। और विल यू लिखने के बाद क्या करना जानते हैं? कुछ नहीं करना है, फुल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस जो कर क्यों लिख डालिए। क्या सेंटेंस है? विल यू कॉल द पुलिस, विल यू कॉल द पुलिस, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी सेंटेंस आएगा क्या करेंगे? आप विल यू लगाएंगे, विल यू लगा के पूरा सेंटेंस। लेकिन इसका क्या करें? जहां डोंट होगा नो प्रॉब्लम, यहां भी विल यू लगाइए, विल यू, अब पूरा सेंटेंस लिख डालिए डोंट को छोड़ के, विल यू रन सो फास्ट, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका हो गया स्टेप नंबर तीन, तीन कदम आप पार कर चुके हैं। आइए हम देखते हैं चौथा कदम क्या बताता है। चौथा कदम आपका है लेट सेंटेंस, जिस सेंटेंस में लेट रहे। बहुत सिंपल सी बात दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, ध्यान देना यहां पर, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। और लेट क्या है? एक वर्ब है। लेट क्या है? वर्ब है। लेट लेट लेट, उसे गाना गाने दो, ये भी सुझाव होगा, एडवाइस होगा, सलाह होगा, रिक्वेस्ट होगा। तो जब ये लेट जो है वर्ब है तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? इंपरेटिव हो गया। बात समझ रहे ना? जब ये लेट वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट है, तो पूरा सेंटेंस इंपरेटिव हो गया। और जब पूरा सेंटेंस इंपरेटिव हो गया तो क्या होगा? विल यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल यू, विल यू लेट, पूरा ना, विल यू लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, ये आपका हो गया लेट का। अब नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे, सिंपल सी बात है, जिस सेंटेंस में लेट्स रहेगा, लेट्स होता है या फिर लेट और अस, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, लेट्स या लेट अस। अब सेंटेंस देखना, लेट्स मूव बैक, ये आपका सेंटेंस हो गया लेट्स मूव बैक। और आपको इसे बनाना है छोटा क्वेश्चन, बस सिंपल सी बात है दोस्तों, याद रखना, जब भी आपके सेंटेंस में लेट्स आए या लेट अस आए तो दो वर्ड दिमाग बैठा लेना, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, कॉपी में लिख लेना, कहीं नोट कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन हमेशा अपने पास रखना वो दो वर्ड कौन कौन से। पहला है सॉल बी, दूसरा है सुड बी, हो गए दो, सॉल बी और सुड बी, दो वर्ड याद रखना। जब भी लेट्स का सेंटेंस आएगा, जब भी आएगा, आप स्टार्टिंग में लगा देंगे सॉल बी। क्या लगाएंगे? ध्यान देना, सॉल बी मैंने लिखा है, आप चाहे सुड बी लगा लेना, सॉल बी लगाइए या सुड बी लगाइए, होगा तो सॉल बी। अब ये छोड़ देना, जरा यहां कंफर्म कर लेना, लेट वाले में विल यू लगा के आपने पूरा सेंटेंस लिखा लेट के साथ, लेकिन लेट्स वाले सेंटेंस में यहां पर जब आप सॉल बी या सुड बी लगाएंगे
क्या लगाएंगे, साल भी या शुड भी लगाएंगे, ये छोड़कर लेट्स को छोड़कर के पूरा कर देख ले, लेट्स मूव बैक क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया साल भी मूव बैक। तो ये तो सेंटेंस आपके हो गए पांच स्टेप, और साथ साथ में अभी छोटा सा एक नियम और आप देख लेंगे, जहां पर कि प्राय बच्चों को क्या बड़ों को भी परेशानियां होती है, वो क्या है, अभी सेंटेंस देखना, रतन हैज सीन अ कार, ये सेंटेंस है, रतन हैज सीन अ कार। अब अगर इसका यस्तो टाइप बना रहे तो आप बोले क्या बात, सिंपल सी बात तो है, सिंपल क्यों है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है निकाल लेंगे बाहर, हैज नॉट लगाएंगे, हैज नॉट रतन सीन अ कार क्वेश्चन मार्क, बहुत बढ़िया। लेकिन तो ध्यान देना, यहां पे थोड़ी सी बात का ध्यान देना, अभी मैंने इसको यहां से निकाल दिया, अब सेंटेंस हो गया रतन हैज ए कार, अब बताइए अब भी आप वही करेंगे नहीं, अगर आपने हैज किया तो वहां पर रॉन्ग हो जाए, क्यों, अब जरा यहां पर एक बात देखिए, ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव और हैड, ध्यान देना, इस ये बहुरूपीय है, दो दो काम करते हैं, अगर ये हैज हैव हैड मेन वर्ब के साथ दिखाई दे, मेन वर्ब के साथ दिखाई दे, तब तो आप इनको हेल्पिंग वर्ब मानना, क्या मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और तब आप इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जैसा बर्ताव करेंगे, जैसे यहां पालित था रतन है सीन ए कार, ऐसी कंडीशन में अब ये जो है हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसका आंसर हो जाएगा हैज नॉट रतन सीन ए कार, लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब यहां बीच में वर्ब नहीं है, तो जब ये वर्ब नहीं है ध्यान देना, जब हैज हैव हैड के साथ वर्ब नहीं है तो ये हैज हैव हैड खुद ही वर्ब का काम करते हैं, खुद ही ये मेन वर्ब काम करते हैं, कैसे हो जाएंगे, अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना मेन वर्ब के, ये तो हैज हैव हैड है, तो हैज के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा डैश, क्योंकि वर्ब का यस यस है, और हैड के लिए मिल जाएगा डू, और हैड के लिए मिल जाएगा डिड, ये काम करके आप अंदर जो हैज हैव हैड आया हुआ है उसको हैव में ही रखना, अब इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट रतन, अब ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म हैव, डज नॉट रतन हैव ए कार, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं यहां पर हैड का देता हूं, क्या हैड, तो आप क्या करेंगे यहां पर, यहां करेंगे डिड, डिड नॉट रतन, अब यहां हैव ही करना पड़ेगा, उसी तरह से अगर आपका यहां पर हैव है तो यहां डू करेंगे, यहां हैव करेंगे, माने ऐसी कंडीशन में जब हैज हैव हैड वाले सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो हैज हैव हैड ही मेन वर्ब होता है, ठीक है, तो हैज के लिए लगाएंगे डच, हैव के लिए डू, हैव के लिए डिड, और अंदर आने वाले हैज हैव हैड को क्या करेंगे, हैव लगा देंगे, तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस हो गया। आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं समझने के लिए, देखिए ये है पहला सेंटेंस, देखिए पांच सेंटेंस ध्यान दिया, फर्स्ट स्टेप का पहले कदम का है, आप अभ्यास कीजिए इसका, बॉयज हैव सीन ए न्यू कार, इसका बनाना यस नो टाइप क्वेश्चन। अब यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान देना, यहां पर देखिए कि हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब यहां पर है क्या, हाँ है, अब ध्यान देना हैव आ गया, और हैव जो दो दो काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी मेन वर्ब का भी, यहां क्या कर रहा है, यहां है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहां पर सीन है, यहां पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, आंसर क्या मिल गया यहां पर, हैव। अब देखिए नॉट इसमें है क्या, नहीं है, लगा दें हैव नॉट बॉयज सीन अ न्यू कार क्वेश्चन मार्क, पहला आंसर आपका कंप्लीट, ठीक। सेकंड देखें, गर्ल्स डू नॉट हेल्प
गर्ल्स डू नॉट हेल्प, हेल्पिंग वर्ब है, हाँ है, कहां है, डू, देखिए डू नॉट है, नहीं लगाना है, डू गर्ल्स, डू गर्ल्स हेल्प, ये आपका हो गया दूसरा सेंटेंस। तीसरा देखिए, सी डज नॉट गेट द मनी, सी डज नॉट गेट द मनी, हेल्पिंग वर्ब डज है, निकालेंगे बाहर, डज नॉट तो है, लगाना नहीं है, डज सी गेट द मनी, डज सी गेट द मनी, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन नंबर देखना फोर्थ, दे वेयर राइटिंग अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है, वेयर, वेयर निकालेंगे बाहर, वेयर नॉट में है, नहीं है, लगाएंगे, वेयर नॉट दे, वेयर नॉट दे राइटिंग अ लेटर, ठीक। पांचवे में यू डिड नॉट हेल्प मी, गिर लेंगे बाहर, नॉट नहीं लगाएंगे, डिड यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। ये तो रहा आपका क्या। अब स्टेप नंबर टू देखेंगे, सीमा हेल्प्स मी, यहां पर देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या कहते हैं, वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है, यस यस, क्या मिलेगा, डज, नॉट तो लगाना पड़ेगा, उसमें नहीं है, डज नॉट, अब यहां से डज नॉट सीमा हेल्प्स है ना, यस निकाल दो, हेल्प हेल्प मी, डज नॉट सीमा हेल्प मी। सेकंड में गर्ल्स प्ले कबड्डी खो खो, प्ले फर्स्ट फॉर्म, क्या मिलेगा, डू, डू नॉट गर्ल्स प्ले खो खो, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सीमा रोट लेटर, रोट कौन फॉर्म है, सेकंड, क्या मिलेगा, डिड, डिड नॉट सीमा राइट अ लेटर, पवन नैरेटेड ए गुड स्टोरी, नैरेटेड सेकंड फॉर्म में है, क्या मिलेगा, डिड, डिड नॉट, स्टार्टिंग से पवन, डिड नॉट पवन, नैरेटेड का फर्स्ट फॉर्म, नैरेट अ स्टोरी, ये प्रकार का आपका आंसर हो गया। आई गो टू मुंबई, आई गो टू मुंबई, अब आई गो टू में क्या है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन गो है फर्स्ट फॉर्म में, यहां क्या मिलेगा, डू नॉट आई गो टू मुंबई, ये आपका हो गया स्टेप नंबर टू। अब आइए स्टेप नंबर टू की देखते हैं, पहला हेल्प द पुअर्स, ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव, क्या है, इंपरेटिव, क्या लगाएंगे यहां पर, विल यू, क्या लगाएंगे, विल यू लगा के पूरा सेंटेंस लिख के क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है डोंट गो देयर, इंपरेटिव, क्या मिलेगा, विल यू, अब ये डोंट निकाल के पूरा, विल यू गो देयर, राइट लेटर टू हिम, इंपरेटिव, क्या मिलेगा, विल यू, विल यू लिख करके पूरा सेंटेंस, विल यू राइट लेटर, डोंट कॉल देम, क्या है, इंपरेटिव, क्या रहेगा, विल यू, विल यू लिख के पूरा, प्ले कबड्डी, विल यू प्ले कबड्डी, इस प्रकार से दोस्तों टिपिकल पॉइंट के साथ पांच कदमों के सहित आपका ये यस नो टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद और हम असर्टिव से डब्ल्यूएच टाइप कैसे बनाएंगे, टेबल टू क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे, असर्टिव का अन्य पार्ट कैसे बनाएंगे, ये भी वीडियो आपको लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन उसके पहले ये पॉइंट आप बेसिक ग्रामर आप देखिए, आपको पर्डे ग्रामर संबंधी एक वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी, और अगर आपने रेगुलरली उसे वॉच किया तो सारे के सारे ग्रामर आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में असर्टिव के अगले पार्ट के साथ।